गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल थ्री एडवेंचर किड्स चैनल। सो टुडे द व्लॉग इज स्टार्टिंग फ्रॉम दारचा। हिल टनल हम लोगों ने एपिसोड 2 में दिखा दिया। हम लोग मनाली से 4:30 को निकल गए थे सुबह, और हम लोग 5 बजे अटल टनल क्रॉस कर चुके थे, और अभी हम लोग जिस्पा और शिशु क्रॉस करके हम लोग दारचा चेक पोस्ट पे 7 बजे पहुंच गए थे। तो गाइज, अभी ये लाइव अपडेट है दारचा चेक पोस्ट की 22/05/2023। हमारी कार आने नहीं दी हम लोगों को, इसलिए हम लोग टैक्सी करके आ रहे हैं, क्योंकि 1 जून तक यहाँ पे सिर्फ 4x4 कार और जिस लोकल कार यहाँ की और चेन वाली कार ही अलाउड है, इसके अलावा कार अलाउड नहीं है। तो तब तक 1 जून तक हम लोगों को वेट करना होगा अपनी कार। ये है सूरज ताल। तो ये देखो, अभी ये पूरा पानी फ्रीज हो चुका है। ये नीचे यहाँ पे पानी है, बट देखो अभी पूरा का पूरा पानी यहाँ पे फ्रीज हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से। और अब जब आप अगस्त में आओगे ना, तब आपको यहाँ पे पूरा पानी दिखेगा।
अभी देखो कैसा पूरा तरह से फ्रीज हो चुका है। ये सब पानी आपको उस कोने में दिख रहा होगा, ये देखो ये इतना पानी दिख रहा है, बाकी सब यहाँ पे फ्रीज हो चुका है। और ये है सूरज ताल, कितना मस्त है देख सकते। ये है सरचू और ये है सरचू की चेक पोस्ट, आप लोग देख सकते हो। और जब हम इसके आगे जाएंगे तो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है टू ले लद्दाख, द ड्रीम प्लेस ऑफ एवरीवन एंड द हेवन प्लेस इन द वर्ल्ड। तो यहाँ से ले लद्दाख की जर्नी हमारी स्टार्ट होगी अब, और हम लोग चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आगे देखने के लिए तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू थ्री एडवेंचर किड्स चैनल। गाइस ये जो दुकान है ना, यहाँ पे बहुत चीपेस्ट चाय वगैरह मिलता है, सब कुछ इधर हॉट वाटर में मिलता है, स्लिप बेड भी है अवेलेबल, इनको आप कांटेक्ट कर सकते हो, बहुत चीप रेट में मिलता है। तो मैं आपको आंटी से थोड़ा बात करवा देती हूँ। हेलो आंटी। हाय। कितने का रहता है ये रूम अवेलेबल? और वो ये रहता है जी आपको 300 तक होगा, 300-400 तक है। फिर यहाँ रहेगा तो यहाँ साथ में तो 200 है पर पर्सन ऐसे है जी। हाँ देखा, ये 300-400 रुपये तक रूम पूरा मिल जाता है फुल फैमिली, और आगे 200-400 में मिलता है। तो मैं आपको रूम दिखा देती हूँ एक बार। अच्छा अंदर मैं आप लोगों को एक बार रूम दिखा देती हूँ कि कैसे। देखो नाइट स्टे करने के लिए रूम भी बहुत ही मस्त है, देख सकते हो आप, चादर वगैरह सब है तो मस्त है। तो हमको तो आंटी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू आंटी। अच्छा जी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था पहले कि हमारी जो कार थी वो हम लोगों को मनाली से ले आने के लिए अलाउड नहीं किया। तो अभी हम लोगों ने जिनको बुक किया है वो है सिंटू अंकल, जिन्होंने हमको हमारी राइड जो है वो बहुत ही मस्त करवाई है। मैं आपको उनके बारे में सब बताती हूँ, लेकिन उससे पहले सुन लो आपकी, उन्होंने ना हम लोगों को हमारी राइड एकदम मस्ती और एकदम एंटरटेनमेंट के साथ हम लोगों को ले तक पहुँचा था। मैं आपको मिलवाती हूँ उनसे। हेलो अंकल। हेलो। तो ये है सिंटू अंकल जिनकी मैं बात कर रही हूँ। मैं मनाली से हूँ और पिछले 20 सालों से मैं लेह लद्दाख रूट पे चल रहा हूँ। तो मेरा मोबाइल नंबर रहेगा एक बार आप, सॉरी 9816225441। तो मैं पिछले 20 सालों से लेह लद्दाख चल रहा हूँ, तो मुझे एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ये मेरे गेस्ट है जिनके साथ, जिनको लेके मैं मनाली से आया हूँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके माध्यम से मनाली आए और मेरे साथ घूमें, और थैंक यू। इनके साथ घूमने में इतना ही कुछ अलग ही मज़ा है, तो बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग भी आओ तो इधर ज़रूर आना इनके साथ घूमने के लिए। तो चलो आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। Altitude 17,482 feet. We are passing through 12th highest pass of the world. Isn't it unbelievable? This place in 10 minutes because we may have breathing problem if we stay more than 10 minutes.
4:30 को ले पहुंच चुके हैं और अभी नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो होगा ले का साइट से। सो टिल देन स्टे ट्यून एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द एडवेंचर किड्स। हम लोग रुके हैं होटल श्याम रेस्टोरेंट ओल्ड रोड ले लद्दाख। तो हम लोग फाइनली हमारे डेस्टिनेशन ले लद्दाख पे पहुंच चुके हैं। तो मैं चलो अब आपको इसका रूम का अंदर का इंटरव्यू दिखा देती हूँ क्योंकि रूम भी बहुत ही मस्त है। तो चलो मैं आप लोगों को रूम दिखा देती हूँ। तो गाइस पहले देखो इसका ये बाहर का जो एरिया है बैठने का वो कितना मस्त है। फिर यहाँ से ऊपर चढ़ के मैं आपको रूम दिखाती हूँ। तो ये रहा हमारा रूम जो मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। फैन है बट फैन मैंने गलत चार्ज कर दिया क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखो मैं यहाँ से आपको रूम दिखा देती हूँ। चेयर, फिर टीवी, फिर मिरर, फिर कबर्ड भी दिखा देती हूँ। इसके अंदर ब्लैंकेट्स रखी, पिलोज रखे हैं, हैंगर्स है पता है, और ऐसे सिंगल बेड का भी मिल जाता है। तो हम लोगों ने सिंगल बेड का रूम लिया है।